हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं सामान्य हिंदी में बोली से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके हर परीक्षा में बार बार वो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछ दे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात का हम पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या आता है और टॉपिक क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रश्न आएगा बोली से रिलेटेड। बोली मतलब कि भारत जो है विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में जो बोलियां बोली जाती हैं, कौन सी बोली किस जगह बोली जाती है, राज्य का नाम पूछ देगा या फिर डिवाइड कर देगा प्रदेशों को। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, पूछ देगा कि खड़ी बोली निम्न चार विकल्पों में से कहां बोली जाती है। बात समझ में आ गया? या अगर ऐसे पूछ देगा कि हरियाणवी में बोली जाने वाली बोली कौन सी है चार विकल्पों में से, तो आपको पहचानना रहेगा। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा। बात समझ में आपको आ गई होगी? तो पहले हम थोड़ा सा लोकेशन आपको दे दें, इंडिकेट कर दें, ताकि एग्जाम में आप सिर्फ आंख बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे कि सर ने कहां बताया था तो तुरंत स्पष्ट हो जाएगा आपको। चलिए, तो ये भारत का मैं मैप थोड़ा सा बना दिया हूं। यहां पे हम दिशाओं को यहां पे इंडिकेट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उत्तर, इसको हम बोलते हैं दक्षिण, इसको हम बोलते हैं पूरब और इसको हम बोलते हैं पश्चिम। इतना तो आप सब लोग जानते होंगे। और बीच से मैंने ये डिवाइड किया है। डिवाइड का मतलब ये हो गया कि अब कोई जगह पूछ देगा इधर कि पूर्वी बोली कहां बोली जाती है, तो ये जो हिस्सा मैंने बनाया है इधर पूर्वी बोली हो जाएगा, इधर पश्चिमी बोली हो जाएगा, और ये जो इंडिकेट मैं किया हूं ये आपका पहाड़ी भाषा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए कह दिया गढ़वाली भाषा कहां बोली जाती है, तो पहाड़ी इलाके में बोली जाती है। या पूछ दे कि पहाड़ी बोली कहां बोली जाती है, तो गढ़वाली कह देंगे। बात समझ में आ गई? कुमार यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो ये जितना हिस्सा है यानी उत्तर का जो पहाड़ी इलाका ये पहाड़ी बोली के अंतर्गत आ जाएगा, ये जो हिस्सा है ये पूर्वी बोली के अंतर्गत आ जाएगा, ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी बोली के अंतर्गत आ जाएगा। और दक्षिण भारत की बोलियों के विषय में आपसे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं, अब हम देखेंगे यहां पे हम देखते हैं कि पश्चिमी बोली। अब देखो पश्चिमी बोली कह रहा है तो ये इधर से इधर समझ लीजिएगा, ये हिस्सा जो है पश्चिमी बोली के अंतर्गत आता है। तो देखो पश्चिमी बोली को मैंने याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दिया है, और यही ट्रिक अगर आपने याद कर लिया तो एग्जाम में पूरे जीवन भर कभी भी कोई भी पूछ दिया प्रश्न कि कौन सी निम्न चार विकल्पों में से बोली जो है कहां बोली जाती है, वो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये पश्चिमी बोली है। ठीक है, देखो यहां ह से एक बनेगा, क से एक बनेगा, ख से एक बनेगा और बुंदेली से एक बनेगा और ब्रज भाषा से एक बनेगा। तो देखो पश्चिमी बोली में एक ह से बनेगा हरियाणवी। समझ में आ गई बात? हक खड़ी बुंदेली ब्रज भाषा, बस इतना याद करना है। तो हक से क्या, ह से क्या हो गया हरियाणवी, क से क्या हो गया कन्नौजी। समझ में आ गई बात? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। ख से आपका क्या हो गया खड़ी बोली हो गया, और बु से बुंदेली से सीधे सीधे पूरा लिखा हुआ है तो बुंदेली हो गया, और ब्रज भाषा तो स्पष्ट लिखा हुआ है तो ब्रज भाषा। अब आप कहेंगे सर ये क्या क्या है, देखो ये जो हरियाणवी है ये इधर बोली जाती है, हरियाणा हरियाणा साइड इधर ही है ना, राजस्थान हरियाणा यही है ना, तो इधर बोली जाएगी। कन्नौजी ये भी पश्चिमी इलाके में है,
खड़ी बोली मेरठ का एरिया जो होता है, मेरठ मुरादाबाद ये सब क्या है, खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। बुंदेली बुंदेलखंड यानी यहां का जो हिस्सा है, और ब्रज भाषा ये भी पश्चिमी में यानी इधर का ब्रज भाषा है, जो मथुरा वृंदावन और ब्रज में जो भाषा बोली जाती है जिसमें सूरदास जी ने अपने पद लिखे हैं वो ब्रज भाषा हो गया। तो समझ में आपको आ गया। अगर प्रश्न आपसे अब पूछ दे कि निम्न चार विकल्प दे दे और पूछ दे निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो पश्चिमी बोली के अंतर्गत आता है, तो मान लीजिए तीन दे दिया, किसी और पूर्वी बोली का दे दिया, बिहारी बोली दे दिया, एक पहचानना रहेगा तो एक कैसे पहचानेंगे, बस यही सूत्र याद कर लीजिए, हक खड़ी बुंदेली ब्रजभाषा, हक खड़ी बुंदेली ब्रजभाषा। तो ह से हरियाणवी, क से कन्नौजी, ख से खड़ी बोली, बुंदेली से बुंदेली भाषा और ब्रज से ब्रजभाषा। समझ में आ गया बात। चलिए अब आता है पहाड़ी बोली। देखो अब पहाड़ी बोली मैंने आपको क्या कहा था, क्या कहा था, ये वाला हिस्सा जो होगा ये आपका पहाड़ी बोली होगा जी, ये इन हिस्सों में बोलियां जो बोली जाएंगी वो पहाड़ी बोली के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ जो हैं भारत के उत्तरी सिरे पर हैं, सिरा मतलब अंतिम छोर, तो यहां पहाड़ी बोली बोली जाती है। समझ में आ गया बात। तो पहाड़ी बोली का मैंने सूत्र क्या दिया है, कुआं में घरवाली है। आप कहेंगे सर ये कैसा ट्रिक बनाया है जी, ऐसा ही ट्रिक रहेगा तभी तो कुछ यूनिक रहेगा, तभी तो आपको याद रहेगा। अब मोहम्मद रफी का गाना आपको नहीं याद रहेगा लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना जल्दी याद आ जाता है, पूरा याद हो जाएगा। पढ़ाई के लिए कोई अभी जीवन परिचय याद करना हो तो नहीं याद होगा, लेकिन जितना फूहड़ से फूहड़ गाना अगर याद करना हो तो जल्दी याद हो जाता है। तो ये फूहर नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इंटरेस्ट देने के लिए और थोड़ा सा इसको मतलब क्या बोलते हैं यूनिक बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक कर दिया, कुआं में घरवाली है। समझ में आ गई बात। तो देखो यहां पे कुआं से क्या हो जाएगा, कुमाऊनी हो जाएगा, कुमाऊनी ठीक है, मे से क्या हो जाएगा, कुमाऊनी, और मे से हो जाएगा आपका मैडियानी, मैडियानी, और घरवाली से गढ़वाली भाषा हो जाएगा, ठीक है, घरवाली से गढ़वाली हो जाएगा। तो अब तो जीवन में नहीं भूलेंगे, अगर आपसे पूछ दे पहाड़ी बोली के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है तो मुख्य रूप से तीन भाषाएं आती हैं, और भी भाषाएं हैं क्षेत्रीय रूप से हैं जो बहुत बार एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो याद करने का ट्रिक, कुआं में घरवाली है, यहां ह साइलेंट है, मैंने सिर्फ लिख दिया है वाक्य को सही करने के लिए। तो कुआं से कुमाऊनी, में से मैडियानी और घरवाली से गढ़वाली। अब ये तीन भाषाएं यहां पे बोली जाती हैं। अब देखो जो गढ़वाली है, गढ़वाल कहां पे है, उत्तराखंड में है, तो ये हिस्सा हो जाएगा। समझ में आया। तो ये सारी चीजें हैं जो पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती हैं। समझ में आ गया मेरे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप इस चैनल पे नए देखने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देख के सब्सक्राइब करिएगा, आप संतुष्ट हो जाइएगा फिर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लग रहा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों कि बार बार बोली से संबंधित पूछ देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पांच बोलियां हैं, पांच लाइन का मैंने सिर्फ ट्रिक दिया है, और ट्रिक भी इतना मजेदार है कि तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए राजस्थानी बोली के अंतर्गत, अब देखो राजस्थानी बोली के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये भी इधर का ही बोली है, राजस्थान एरिया का बोली है, ठीक है, इधर एरिया का, ये जो है ना राजस्थान, तो यहां पे माडू मेका है, क्या है, माडू मेका, ठीक। अब देखो माडू मेका से मां से हो जाएगा, मां से आपका हो जाएगा मेरे बच्चों मालती, क्या हो जाएगा, मालती, मालती एक बोली है। डू से डूढ़ाड़ी एक बोली है। मे से आपका क्या हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा, मेवाती, और का से हो जाएगा कालती, ठीक है, अब नहीं भूलेंगे, माडू मेका, माडू मेका।
आपसे पूछ दे राजस्थानी बोली, राजस्थान राज्य में सिर्फ बोले जाने वाली भाषा पूछ दे, तो यहां पे मुख्य रूप से चार भाषाएं मुख्य हैं, मालती, मा से मालती, डू से डुढ़ाड़ी, मे से मेवाती और क से कालती। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये राजस्थान एरिया में बोली जाने वाली भाषा है। अब देखते हैं बिहारी बोली। अब देखो बिहार का जब पूछ दे तो ये हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से सटे यही तो बिहार है ना, तो बिहार की भाषा जब पूछ दे तो वहां से आप कैसे याद करेंगे, उसका याद करने का मैं बहुत शानदार ट्रिक बनाया हूं। यहां पे देखिए भोजन में मेथी है, इतना याद हो जाएगा, भोजन में मेथी है। तो यहां पे देखो भोजन से क्या हो जाएगा, भोजपुरी, क्या हो जाएगा भोजपुरी, और यहां मे से हो जाएगा मगही, और मेथी से मैथिली। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बिहारी बोली जब भी पूछ दे तो भोजन में मेथी है, बस इतना याद करना है आपको। ठीक है, भोजन में मेथी है, याद हो जाएगा। भोजन से भोजपुरी, यहां भो लिखा है ना, तो भोजपुरी, मे से मगही और मेथी से मैथिली। समझ में आ गई बात। चलिए अब ये जो है बिहारी बोली हो गया, यहां बोली जाने वाली। अब अगला है पूर्वी बोली। पूर्वी बोली किधर किसे कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश और इधर का जो इलाका है पूर्वी एरिया का, इधर बोली जाने वाली भाषाएं, इधर से लेके अब ये भी इलाका की किस में आ जाएगा, पूर्वी में आ जाएगा, पूर्वी बोली। ठीक है, तो इसका सूत्र मैंने क्या दे दिया है, अब बाघ छत्तीसगढ़ चला। क्या करेंगे, अब बाघ छत्तीसगढ़ चला, तो इससे क्या याद हो जाएगा, अब से क्या हो जाएगा, अवधि, बस बाघ से बघेली और छ से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधि देखो कहां बोली जाती है, अवधि जो बोली जाती थी वो साकेत एरिया में बोली जाती थी। तुलसीदास जी ने जो अपना रामचरितमानस लिखा है अवधि भाषा में लिखा है, तो अयोध्या के एरिया में जो बोली जाने वाली पहले साकेत बोला जाता था, वहां पे अवधि बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूर्वी, अब यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोग यहीं पे तो है ना, तो ये पूर्वी बोली के अंतर्गत आएगा नहीं आएगा, तो ये अवधि हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया। ठीक है, तो ये था आपको याद करने का, विभिन्न प्रकार की बोलियों को याद करने का शानदार ट्रिक था। जब भी पश्चिमी बोली बोल दे तो बस एक लाइन का ट्रिक याद कर लीजिएगा, हक खड़ी बुंदेली ब्रजभाषा। ठीक है, तो ह से हरियाणवी, क से कन्नौजी, खड़ी से खड़ी बोली, बुंदेली से बुंदेली और ब्रजभाषा से ब्रजभाषा। और जब भी आपसे पहाड़ी बोली पूछ दे तो बस इतना याद रखिए, कुआं में घरवाली है, तो कुआं से कुमाऊनी, मे से मैडियानी और घरवाली से गढ़वाली। समझ में आ गई बात। और राजस्थानी बोली में जब भी पूछ दे तो माडू मे का सिर्फ याद कर लीजिए, मा से मालती, डू से डुढ़ाड़ी, मे से मेवाती, का से कालती। और जब भी बिहारी बोली कह दे तो भोजन में मेथी है, यानी कि भोजपुरी, मगही और मैथिली, यानी भो से भोजपुरी, मे से मगही और मेथी से मैथिली। ठीक है, और पूर्वी बोली के अंतर्गत पूछ दे तो अवधि, अब से अवधि, बाघ से बघेली और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी बोली का ट्रिक सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि अब बाघ कहां चला, छत्तीसगढ़ चला। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ट्रिक वाला वीडियो है, ट्रिक वाला मैंने इसलिए बनाया है कि इसको लर्न करने का और कोई तरीका नहीं था, आप लर्न करके जाएंगे और एग्जाम में भूल जाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से याद करके जाएंगे, ट्रिक के साथ याद करके जाएंगे, तो एग्जाम में कभी भी भूलेंगे नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, नमस्कार।